एक्सप्रेस में महिला पुरुष की मस्जिद दरिंदगी से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मी से दरिंदगी मामले में हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान। महिला पुरुषकर्मी से दरिंदगी मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में पेश शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने रखा पक्ष। पिछली तारीख पर कोर्ट ने जांच कर रही एजेंसी को किया था तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में जीआरपी के डीवाईएसपी संजीव सिन्हा व इन्वेस्टिगेशन अफसर श्री वेद प्रकाश वास्तव हुए थे। सरजू एक्सप्रेस में महिला सिपाही से की गई दरिंदगी के मामले में जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया था, और वहीं शासन ने भी इसको गंभीरता से देखते हुए इसकी जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही जांच के विषय पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी, जहाँ DYSP रेलवे व DYSP एसटीएफ भी मौजूद रहे, और दोनों संबंधित अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि अब तक की विवेचना में जो भी तथ्य सामने आए हैं उनको कोर्ट के सामने पेश किया, और कोर्ट ने उनकी जांच पर संतुष्टि भी